मेरे प्रिय शिष्यों, आप सभी का स्वागत है एक्सपी क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12 के संस्कृत के अंतर्गत संस्कृत भाषाया महत्वम नामक अध्याय। तो अध्याय शुरुआत करने से पहले मैं निवेदन करूंगा कि जो हमारे नए व्यूअर हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे हमारे चैनल के परिवार के सदस्य बनने के लिए पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को हिट करें। तो चलिए सीधा अध्याय पर आते हैं। संस्कृत भाषाया महत्वम यानी संस्कृत भाषा का महत्व देखते हैं सीधा अध्याय से। धन्योऽयं भारत देशः यत्र समुलसति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भावनी शब्द संदोह प्रसवनी सुर भारती। कि धन्यो अयम भारत देशा, कि यह भारत देश धन्य है। यत्र जहाँ समुलसति अर्थात शोभित है, सुशोभित है या शोभित होती है। जनमानस पावनी यानी जनमानस को पावनी अर्थात पवित्र करने वाली। भव्य भावोद्भावनी अर्थात सुंदर, भव्य अर्थात सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली। शब्द संदोह प्रसवनी अर्थात शब्दों के संदोह यानी समूह को प्रसवनी अर्थात जन्म देने वाली। सुर भारती अर्थात भाषा अर्थात देववाणी भाषा, सुर अर्थात देव और भारती अर्थात संस्कृत की देववाणी संस्कृत। अर्थात यह भारत देश धन्य है जहाँ यत समुलसति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भावनी शब्द संदोह प्रसवनी सुर भारती। यह भारत देश धन्य है जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित है। सुर भारती अर्थात देववाणी। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्या वाङ्मयम् सर्वश्रेष्ठम् सुसंपन्नम् च वर्तते। कि विद्यमानेषु अर्थात विद्यमान अर्थात वर्तमान, निखिलेष्वपि अर्थात संपूर्ण साहित्यों में, वाङ्मयेषु निखिलेष्वपि अर्थात संपूर्ण, वाङ्मयेषु अर्थात साहित्यों में, अस्य अर्थात इसका, वाङ्मयम् अर्थात साहित्य, सर्वश्रेष्ठम् सुपन्नम् च वर्तते। सर्वश्रेष्ठ और च अर्थात और सुसंपन्नम् वर्तते, सुसंपन्न है। कि विद्यमान संपूर्ण साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। एवमे भाषा संस्कृत नाम नापि लोके प्रतिथा अस्ति। एवमेव भाषा अर्थात यही भाषा संस्कृत नाम नाम अर्थात संस्कृत नाम से भी लोके प्रतिथा, लोके अर्थात संसार में, प्रतिथा अर्थात प्रसिद्ध, अस्ति अर्थात है। कि यही भाषा संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारतादि ऐतिहासिक ग्रंथा, चत्वारो वेदा, सर्वा उपनिषदः, अष्टादश पुराणानि, अन्यानि च महाकाव्या नाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। कि अस्माकं हमारे रामायण महाभारतादि ऐतिहासिक ग्रंथा के अर्थात हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदा अर्थात चारों वेद, सर्वा उपनिषद अर्थात समस्त उपनिषद, अष्टादश पुराणानि अर्थात 18 पुराण, अन्यानि च और अन्य, महाकाव्य नाट्यादीनि महाकाव्य नाटक आदि, अस्यामेव अर्थात इसी भाषा में, अस्यामेव भाषायाम अर्थात इसी भाषा में लिखितानि सन्ति, लिखे गए हैं अर्थात लिखे हुए हैं। कि हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, समस्त उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे हुए हैं। योमेव भाषा सर्वा सामार्य भाषाणाम जननीति मन्यते भाषा तत्वविदभि अर्थात भाषा तत्वविधि अर्थात जो भाषा के तत्व को जानने वाले हैं अर्थात भाषा वैज्ञानिक। योमेव भाषा यही भाषा सर्वा सामार्य भाषाणाम अर्थात समस्त सभी
आर्य भाषाणाम अर्थात आर्य भाषाओं की जननीति अर्थात जननी मान्यती मानी जाती है, यानी या मानते हैं। तो जो भाषा तत्वविधि अर्थात जो भाषा वैज्ञानिक मानते हैं, यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी है। संस्कृतस्य गौरवम्, संस्कृत का गौरव, बहुविध ज्ञानाश्रयत्वम अर्थात बहुविध ज्ञान आश्रयत्वम यानी अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना, व्यापकत्वम च और व्यापकत्व की संस्कृत का गौरव, अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना और व्यापकता, व्यापकता न कस्यापि दृष्टेर विषयः कि न कस्यापि किसी की दृष्टि का अवश्य अर्थात किसी की भी दृष्टि से छुपा नहीं है, यानी संस्कृत का गौरव, उसका अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना और उसकी व्यापकता किसी भी दृष्टि का अवश्य नहीं अर्थात ये किसी की दृष्टि से छुपा नहीं है, छिपा हुआ नहीं है, कि संस्कृत का गौरव, विभिन्न अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना और उसकी व्यापकता किसी की दृष्टि से छिपी नहीं है अर्थात किसी की दृष्टि का अवश्य नहीं है, दृष्टि विषय कि संस्कृतस्य गौरवम बहुविध ज्ञानाश्रयत्वम व्यापकत्वम चा न कस्यापि दृष्टि विषय। संस्कृतस्य गौरमेव दृष्टिपथ मानीय सम्यग उक्त माचार्य प्रवणेन दंडिना कि संस्कृतस्य अर्थात संस्कृत का गौरमेव गौरव को दृष्टिपथ मानी दृष्टि में रखकर सम्यग उक्त अर्थात इस प्रकार से कहा आचार्य प्रवणेन दंडिता कि आचार्य प्रवर दंडी ने ठीक ही कहा है कि संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखकर आचार्य प्रवर दंडी ने ठीक ही कहा है। संस्कृतम नाम देवी वागन वाख्याता महर्षि भी, वागन वाख्याता अर्थात वाग अर्थात वाणी, वाख्याता अर्थात कहा है महर्षि भी कि महर्षियों ने संस्कृत को ईश्वरी वाणी अर्थात देवी वागन वाख्याता अर्थात देवी वाणी कहा है। संस्कृत नाम देवी वागन वाख्याता देवी वाणी कहा है महर्षि भी, महर्षियों ने कि संस्कृत को महर्षियों ने ईश्वरी वाणी कहा है अर्थात देवी वाणी कहा है। आगे देखते हैं, संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणंच सुनिश्चितम कि संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये चा लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माधुरंच वर्तते कि इसके गद्य और पद्य में लालित्य, किसके तस्य गद्य पद्य चा लालित्यम कि इसके गद्य और पद्य में लालित्य, भावबोध सामर्थ्यम अर्थात भावबोध की सामर्थ्य, अद्वितीयम अद्वितीयम अर्थात अद्वितीयम श्रुति माधुर्य और अद्वितीय अनोखा यानी अनुपम श्रुति माधुर्य है, किसके गद्य पद्य में लालित्य भावबोध की सामर्थ्य और अनुपम श्रुति माधुर्य है। किम बहुना अब किम बहुना अर्थ अधिक क्या कहें। चरित्र निर्माणार्थम यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयम् ददाति न तादृशीम किंचिद्यंत किंचिद किंचिदन्यत अर्थात कि चरित्र निर्माण की, चरित्र निर्माणार्थम अर्थात चरित्र निर्माण की यादृशीम सत्प्रेरणा जैसी अच्छी सत अर्थात अच्छी प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयम् संस्कृत साहित्य ददाति अर्थात देता है, ना तादृशीम कि वैसी कोई, ना तादृशीम किंचित किंचित यत अर्थात किंचित किंचित यंत अर्थात और किसी अन्य जगह वैसी कोई अन्य साहित्य नहीं देता। कि मूलभूतानाम मानवीय गुणानाम यादृशी विवेचना कि मूलभूत मानवीय गुणों की ऐसी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्ते, ऐसी अर्थात जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्ते संस्कृत साहित्य में है, नान्यत तादृशी कि वैसी अन्य किसी साहित्य में नहीं है। दया
दानम शौचम औदार्यम अनुसूया क्षमा अन्ये चानेके गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशूलेन संजायति संजायन्ति कि दान दया दया दान शौचम अर्थात पवित्रता औदार्यम अर्थात उदारता अनुसूया अर्थात ईर्ष्या न करना क्षमा अन्य चानेके और अन्य अनेक गुण अनेके गुणा अस्य इस साहित्य के अनुशीलन अर्थात मनन यानी अनुशीलन करने से पालन करने से या अध्ययन से संजायन्ति अर्थात उत्पन्न होते हैं कि दया दान पवित्रता उदारता ईर्ष्या न करना क्षमा और अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। आगे संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कवि कुलगुरु कालिदास अन्य चाभास भारवी भवभूत्यादयो महाकविया स्वकीये ग्रंथरत्ने अद्यापि पाठका नाम हृदि विराजन्ति कि संस्कृत साहित्य अर्थात संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कवि कुलगुरु कालिदास अन्य चा और अन्य भास भारवी भवभूत्यादयो अर्थात भवभूति आदि महाकवि स्वकीय अर्थात अपने ग्रंथ रत्ने अर्थात ग्रंथ रत्नों के द्वारा अद्यापि अर्थात आज भी पाठ का नाम पाठकों के हृदय विराजंती हृदय में विराजमान है कि संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भास भारवी भवभूति आदि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। इयम भाषा अस्माभिः मातृसमं सम्मानीया वंदनीया चा यतो भारत मातु स्वातंत्र्यम गौरवम अखंडवत्वम सांस्कृतिक मेकत्वंच संस्कृते न्याय सुरक्षितम शक्यन्ति इयम भाषा यह भाषा अस्माभि हमारे अस्माभि मातृसमं हमारे लिए माता के समान सम्मानिया वंदनीय चा और सम्मानीय और वंदनीय है यह तो क्योंकि भारत मातु स्वातंत्र्यम क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता गौरवम अर्थात गौरव अखंडत्वम अर्थात अखंडता सांस्कृतिक मेकत्वंच अर्थात और सांस्कृतिक एकता संस्कृते न्यो संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षितुम शक्यन्ति अर्थात सुरक्षित हो सकती है कि यह भाषा हमारे लिए माता के समान सम्मानीय और वंदनीय है क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता गौरव अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है। इयम संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ति इयम संस्कृत भाषा यह संस्कृत भाषा सब भाषाओं में सर्वासु भाषासु अर्थात सब भाषाओं में सबसे सर्वासु भाषासु प्राचीनतम सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ है तथा सुष्ठुतम की तथा कि इसलिए ठीक ही कहा गया है सुष्ठुतम अर्थात ठीक उक्त किया गया है कहा गया है भाषासु मुख्या मथुरा दिव्या गीर्वाण भारती इति इस प्रकार से ठीक ही कहा गया है इसलिए कि भाषासु मुख्या की भाषाओं में मुख्य मधुर दिव्य गीर्वाण भारती की भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य है गीर्वाण भारती अर्थात देववाणी संस्कृत की देववाणी संस्कृत समस्त भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य है। इस प्रकार से यह अध्याय समाप्त होता है। आशा है यह अध्याय आपको बहुत पसंद आया होगा। तो अधिक से अधिक इसको वीडियो को इसको शेयर करें, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ में आप अपने मूल्यवान कमेंट जरूर दें। आप हमसे व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट वीडियो में आगे मिलते हैं नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।